और कैसा लगा अहमदाबाद आके आप बोल दो हाय गाइस। ये तो चीकू की तरह कर दिया। कोई बुला रहा है मुझे मुझे बुला रहा। हाय गाइस वेल, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपने देखा था कल का व्लॉग जहाँ पे मैं वापस आ गई थी अक्षरधाम से। दोपहर तक दिखाया था वो, मैंने बर्तन वर्तन लगा रही थी। ये रात के डिनर का टाइम है, शाम का है ये। और आज शाम को बन रहा है बेसन मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। एंड और क्या बन रहा है यार बताती हूँ। ओके, मैं सूट मैंने चेंज कर लिया था रात में क्योंकि बहुत उलझन हो रही थी उसमें। और मैंने ऐसे ही नॉर्मल सा डाल लिया था क्योंकि सबसे, हालांकि जो मैंने पहन रखा है ये बहुत पुराना है, बट क्या करें इसको मैं फेंक नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है इसको पहनने में। इसीलिए मैं इसको डाल लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी या उलझन होती है, तो मैं इसीलिए इसको रखी हुई हूँ। ज़्यादा नहीं वीडियो माफ वीडियो तो बन गए रखूँ खाया पर। कितनी आ रही टाइम होने लगा मेरे को देना कपड़ा वो बोतल देना साफ कर दून दोबारा खराब भेजा मतलब ये भी पंक्ति कर ली है इसकी वो तो जाता है ठीक है दूरी पंक्ति रिक्स रहती है तो कलर का और बैठ के इसका नहीं ना पाइप छोटा है नहीं मैं और कुछ पा दूँ 1.5 मीटर को नीचे 2 मीटर नीचे की तरफ खिसकता है पता है वो चाहे जितना इधर खिसका लो ना आगे नहीं आता वो अंदर की तरफ घुसता है। वहाँ पे तुम्हारा वो आदमी उसको बोल रहा आगे ले लो आई देखिए ये थोड़ा सा रिस्क रहता है। हाँ, गैस पे कल करो हो गई होगी तो मैं तड़का लगा दूँ लगाने का बड़ा तो जमा पानी बनाते ऐसे। अब आप इधर से चले जाए तो हम लोग कर और ये कैसे करके तो कपड़ा ये वो देखा नीचे कपड़ा तो जैसे सूखा कपड़ा है वो है ये तो गीला है बड़ा और है ना खेतने कपड़े के पास ये तो गीला है रोटी का डब्बा दूसरा ले लो। मैं तो वैसे बनाती हूँ मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है। आप इधर अच्छा मुझे देना है आप बस नहीं बस फेंक लेना वैसे मुझे नहीं आती मेरे को तो चिमटी लग जाएगी तो करते करते मैं हाथ तो करना होगा तो मोबाइल मोबाइल पे मोबाइल हाथ में करूंगी मुझे खाली देना इनको कपड़ा दे दे कोई रुमाल मम्मी तो दे दो। अरे मुझे वो तवा लेके वो नहीं करना ये ले लो ये हो गया लेकिन नहीं गीला ये वो सूख जाए चलेगा हो गया ये रोटी कर तो रोटी पर रोटी ऐसी जा अरे मैंने जो पेपर क्या कपड़ो क्या है ये पोछा है यार वो अरे वो चूरमा गरम करना मुझे पड़ती नहीं जरूरत मेरे पास है। गर्मी हो रही थी मैं कर दूंगी, नहीं मैं कर लूंगी, आप जाइए। अरे कर देंगे ना, अभी आप कह रहे थे वो, अभी मुझे सीखने दो ना, हटो। हाँ फिर गैस कम कर देते हैं, रोटी ये कम करने का आगे वाला है ना, वो दाल रोटी बन गई बची ये सबसे चुनी है। ओके गाइस, सो हम लोग कुकिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आंटी को मैंने छुट्टी दे दी, बिकॉज़ वो दोपहर में तो आई थी काम करने के लिए जब हम गए थे अक्षरधाम, लेकिन वो शाम को नहीं आई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप जाओ छुट्टी ले लो। इवन कल भी, नेक्स्ट डे भी नहीं आई थी वो, हम ही लोगों ने मैनेज किया। इससे ना अच्छे से जल्दी होती है, हाँ, और ये होती है टूटती नहीं होती, हाँ ठीक ना, हो गई। हाँ कागज जैसी चटनी बना रही है, रोटी बनाना है। अरे इतनी पतली बना रही है, अरे ये तो मोटी है। आंटी की खा रहे तो कागज जैसी है, अच्छी थोड़ी ना लगती है। अभी आपने खाई नहीं आज, रोटी खाते तो पता चले बिल्कुल कागज। रुमाली रोटी गुजराती लोग ऐसे ही बनाते हैं, रुमाली रोटी होती है ना गुजराती, रुमाल से खा लेते हैं, पेट में पता नहीं चलती है। थोड़ी मोटी है बना देते मोटी। अरे ये तो पूरी छेद रही है, चिपक ही गई। अरे यार ये तो ये लो आटा जैसा देखो, अभी इसकी पतली पतली बन। अरे आपको ये पतली लो, ये मोटी है उनके लिए। हाँ वो बनाते जो आदत होगी ना, आधी जैसे नान जैसे है वो, फलका जैसे। इतनी तो शादी ब्याह में भी नहीं रहती है, रुमाली रोटी है ना वैसे। हाँ दो कॉल में खत्म हो गए। ये इसी में रहने दो, दूसरे वो बड़ा वाला में रख दो। हाँ पार्सल रिटर्न करना है फ्लिपकार्ट में। हाँ अच्छा जिगू अब तक क्यों डर गए? जब भैया के साथ। अरे वो बेटू भैया है, डरना क्या है? ये सच में डर रहा है बेटा। ओ मेरा जिगू उदास हो गया है ना। एक्चुअली वो शर्ट पकड़ा ना तो उसको लगा कि मुझे मारा है। मैं ऐसे नहीं करता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो गया बेटा, नहीं खेलना? मैं बड़े उससे वीडियो बनाने आए। अच्छा मैं देखे, कभी मौका मैं बोलूंगी। सुबह से मैं बहुत बिजी थी और सब लोग होते हैं ना। आज प्रॉब्लम ये आ गई कि आंटी ने छुट्टी मार ली है, ठीक है। तो सुबह उठी, सबसे पहले जीगू को स्कूल भेजा, मैं भी गई थी छोड़ने, टिफिन बनाया जल्दी से तैयार के उसको भेजा। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया, बर्तन किया पूरा। उसके बाद फिर मैं नहाने गई और कुकिंग का हीना ने देख लिया था। देन फिर अभी वीडियो अपलोड कर रही थी, बिल्कुल टाइम बिल्कुल सुबह से नहीं मिला कि मैं आपसे बात कर पाऊँ और जस्ट अभी टाइम मिला। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस टाइम। और मैंने आज हेयर वॉश किया है, मैंने इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बालों में कॉम कर लूँ मैंने पीछे, इसलिए मैं आपको थोड़ी अटपटी लग रही हूँ। और ये है मंकू जो सो रहा है, ये छोला है, लानी बतिया छोले है यहाँ पे। और जिगू बाहर है, चाचू के साथ खेल रहा है। एंड व्हाट एल्स, कुछ नहीं, बस ये बताना है आई एम सॉरी कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। कल या परसों से मैं चालू कर दूंगी एंड आई विल डेफिनेटली वहीं से मैं करूँगी जहाँ पे मैंने छोड़ा था आपके कमेंट्स, क्योंकि मैं कभी ये नहीं करती कि लेटेस्ट में करूँ। लाइक कल का जो ब्लॉग है उससे ही चालू कर दूँ, मैं पीछे से ही करती हूँ हमेशा, चाहे जितना छूट जाए। तो मैं वहीं से चालू करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड इतना प्यार देने के लिए, आप देखते हो, लाइक करते हो, थैंक यू। ओके, तो चलिए मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, फिर मिलती हूँ। और मैंने आज चिकन की कुर्ता पहना है, मैंने देखा है। ओके, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आंटी को भी धोखा देना था एंड टाइम पे, छुट्टी देनी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती बच्चों के साथ, पूरा घर का काम करना सब। गंदा पड़ा है यहाँ पर। अब नहीं डर रहा है। जाओ मंकू, जाओ जाओ। हाँ, ओ अभी मंकू देख रहा है। अरे मम्मा, चलो 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 चलो। हाँ, चलो पंकु आओ। ये आजा आजा, कोई बात नहीं। देखो मैं जिगर पास पीछे आ गया। आगे 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 आगे। चलो घर में भी कर रहा था। छी छी छी, तो कैसे खेलोगे फिर? उसमें क्यों रहा उस झूले पे? उसको नहीं करना है, उसको नहीं, रहने दो, नहीं करना उसको। बारिश हो गई। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़े काम के लिए निकल रही थी बट बारिश हो गई तो अभी रह गई हूँ मैं। ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और आई एम सॉरी बिकॉज आज मैं ब्लॉग नहीं इतना कर पाई बिकॉज बहुत बिजी थी मैं आज। और आज ही हीना को जाना था, तो मतलब आज ही जाना था तो अच्छा नहीं लगता कि कैमरा उठाते फिर ब्लॉगिंग करते। आई सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं और हीना एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज करते या फिर क्वेश्चन आंसर राउंड करते, कुछ तो करते, बट क्या है ना बच्चों की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया। और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी तो बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था बिकॉज तबीयत खराब थी। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा अभी ना ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँगी ना ही कोई वीडियो बनाना है। और वेल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो आएगी या मैं जाऊंगी बॉम्बे तो जरूर वहाँ पे बनाऊंगी अच्छे से। और मैं बॉम्बे जाने वाली भी हूँ एक आध दिन के लिए, इन्हें कोई काम है, कलेक्शन है, कुछ काम है वहाँ पर। जब भी होगा तो मैं एक दिन के लिए जरूर जाऊंगी। और क्या मैं शेयर करने वाली थी अभी। हाँ, सब लोग बोलेंगे हिना इतनी जल्दी क्यों चली गई। एक्चुअली मैं वो कल ही आई थी और मंगू की तबीयत खराब थी फिर भी वो आ गई। उसको बहुत अर्जेंट था, यहाँ पे पासपोर्ट उसका बनना था, पासपोर्ट लेने आई थी वो, क्योंकि पासपोर्ट इधर ही से बनेगा ना, क्योंकि हमारा घर तलोद में है, इधर ही है तो इधर ही से बनेगा। क्योंकि वो जा रही है फॉरेन, जा रही है घूमने के लिए बिफोर दिवाली, सो अभी पासपोर्ट कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट था। तो जस्ट इसीलिए 2 दिन के लिए आई थी, कल सुबह आई थी और आज रात में चली गई। क्योंकि मंडे से इनका ऑफिस भी, मेरे देवर जी का ऑफिस भी है सुबह से, तो इसी वजह से नहीं रुक पाए, अदरवाइज रुक जाती हो। तो फिर भी कोई बात नहीं, आई तो 2 दिन के लिए, अच्छा लगा मुझे। और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे हम दोनों कल, और एक वीडियो जरूर बनाएंगे उसके साथ। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कल के वीडियो में कि वो मेरा चैनल नहीं देखती। एक्चुअली मैं 3 जने मेरी फैमिली में जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जिसमें कि एक हिना भी है, और जो मेरा वीडियो कभी मिस नहीं करते, मेरा ब्लॉग कभी मिस नहीं करते। तो हिना देखती है बट क्या है ना वो शायद आप समझ नहीं पाए क्योंकि मैंने एडिट कर दिया था ना बीच से। उसके कहने का मतलब था मैं वेलकम में क्या बोलती हूँ जब मैं आपको वेलकम करती हूँ, चैनल का नाम उसको पता था बट वो ये बोल रही थी कि आप वेलकम में क्या बोलते हो, मतलब आप यूट्यूबर प्रियो लाइव बोलते हो, इसीलिए इसलिए आपको लगा वो मेरा ब्लॉग नहीं देखती। वो डेली देखती है मेरा ब्लॉग, इवन मिस हो जाता है तो वो दूसरे दिन देख लेती है। सो ये थी बात। आज कौन सा दिन है, आज है मंडे। यस, आज है मंडे और तारीख है 29 तारीख है आज। हाँ, आज 29 तारीख है, 29 जुलाई है। और आपको आज मैं बहुत थकी लग रही हूँ, सीरियसली बहुत थक रही हूँ। और क्या बोल रही थी मैं, बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए मेरे घर के। मैं उस धुन में थी ना थोड़ा सा घर को मेकओवर करने के लिए, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। वेल कोई बात नहीं, हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे। और रोज डेली, आज मेरे 4 पार्सल आए हैं फ्लिपकार्ट, मतलब 2 अमेजोन से आए हैं, 2 फ्लिपकार्ट से आए हैं, और जिसमें कि 2 मुझे रिटर्न करने पड़ रहे हैं। एक मंदिर रिटर्न करना पड़ रहा है, एक लाइट रिटर्न करनी पड़ रही है, जो मैंने इतने अच्छे और इतने प्यार से मंगाई थी, जिसमें हम अपनी फोटो टांग सकते हैं। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम आ गई, बैड लक के वो खराब निकला। मैं उसका दूसरा वर्जन किसी और सेलर से मंगाऊंगी। ब्लॉग को इधर ही एंड कर रही हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज, जैसा भी था, छोटा था, प्लीज लाइक कर देना। मिलती हूँ कल फिर से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज प्रेस दी बेल आइकन अगर आपने नहीं प्रेस किया है। मेरे न्यू नोट, मैं आज इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, मेरे मुंह में छाला हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो कोई छाला क्यों हो गया। सो प्रेस कर दीजिएगा आप बेल आइकन को न्यू वीडियो के लिए। पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।